हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू ब्रांड न्यू सेशन ऑफ टॉकर्स। चलिए देखते हैं कल मार्केट का मोमेंटम कर सकता है, कौन से सुपर सेटअप्स में हम ट्रेड कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। चलिए पहले निफ्टी 50 देख लेते हैं। निफ्टी 50 में 17 तारीख से एक मोमेंटम गया, सेल ऑफ हुआ और आज एक शार्प बाइंग थी, बहुत सॉलिड बाइंग थी आज। और क्या मैं इसे कह सकता हूँ कि ये एक शोल्डर है, ये एक हेड बन रहा है और दिस इज अबाउट टू फॉर्म अ शोल्डर। तो अगर ये इस जोन को ब्रेक करता है तो डेफिनेटली क्या मैं कह सकता हूँ कि 17,000 का लेवल जो इतने शार्प बाइंग हुई है वो देखने को मिल सकता है, देखने को तो मिल सकता है। बट कई लोग के अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं कि कई लोग कहते हैं कि सर यहाँ से रिवर्स हुआ और मुझे एग्जैक्टली इतना ही चाहिए, मुझे 17,490 चाहिए, उससे पहले तो मैं निकलूंगा नहीं। क्या यहाँ पे एक रिवर्सल है? यहाँ मैं एग्जैक्टली आपको बताऊं, क्या यहाँ पे एक रिवर्सल है 17076 पे? बिल्कुल है। क्या मार्केट ऐसा नहीं कर सकता कि यहाँ से आए, इसको ब्रेक करें, यहीं से रिवर्स हो जाए और हो सकता है कि यहीं से ऊपर रिवर्स हो जाए इसी पॉइंट को टच करके? इस पॉइंट की वेट करनी ही क्यों? अगर मार्केट इतना शार्प फॉल कर रहा है, अगर मार्केट, ये देखिए आप कह रहे हो 236 पॉइंट्स चाहिए, ये देखो एक होल्ड तो यहीं पे 71 पे, एक होल्ट यहाँ पे 123 पे, एक होल्ट यहाँ पे 166 पॉइंट्स पे, एक होल्ट लास्ट होल्ट है 233 पे। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि जब यहाँ पे आया हम अपना स्टॉप लॉस इस पॉइंट पे शिफ्ट कर लें? ठीक है जी, कर लेते हैं। उसके बाद जब यहाँ पे आए, यहाँ पे आया अपना स्टॉप लॉस यहाँ शिफ्ट कर लो, जब यहाँ पे आया था इस पॉइंट पे तब अपना स्टॉप कॉस्ट को शिफ्ट कर लो, और जब इसको भी क्लोज करता है तो अपना स्टॉप यहाँ पे शिफ्ट कर लो ये पॉइंट के लिए, इसको भी ब्रेक करता है तो डेफिनेटली यहाँ पे शिफ्ट करो ना, यहाँ पे आएगा एग्जिट कर दो। वेट करते हैं टारगेट अचीव होने का। टारगेट अचीव ऐसा नहीं होता है, हर्डल्स भी तो हैं। तो अब इसको कल ट्रेड कैसे कर सकते हैं? बहुत इजी है, नीचे की तरफ तो मैंने बता दिया, ऊपर की तरफ ये देखिए, अब ऊपर की तरफ कितनी हर्डल्स हैं मेरे को तीन दिख रही है, 1 2 3, हो सकता है यहीं पे रिवर्स हो जाए। मैंने मार्किंग यहाँ पे करी है, देखो इसको थोड़ा सा शिफ्ट करूंगा, हो सकता है यहीं से रिवर्स हो जाए, हो सकता है यहीं से हो जाए। डोंट वेट फॉर एग्जैक्ट टारगेट, ट्राई टू कीप शिफ्टिंग योर स्टॉप लॉस, दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी। अब इसमें और इसमें देखिए कितना फर्क है, 24 पॉइंट का। अब इसमें क्या लेंगे? इसमें डेफिनेटली हम लेंगे एक स्कैल्प ट्रेड। जो यहाँ पे बाइंग करने वाले हो इस जोन पे को भी क्यों छेड़े, यहाँ पे एक लॉट लेने वाले हो, दो यहाँ पे लो, एक यहाँ पे एग्जिट कर दो, प्रॉफिट में तो निकलोगे। अब यहाँ से रिवर्स आता है, यहाँ पे एग्जिट कर दो, तो हम डेफिनेटली नो प्रॉफिट नो लॉस में रहेंगे और कुछ तो प्रॉफिट घर पे आएगा। यहाँ पे स्कैल्प ट्रेड होगा, ये हमारा टारगेट 1 और ये हमारा टारगेट 2 फॉर निफ्टी 50। अब बैंक निफ्टी में देखूं तो बैंक निफ्टी में आज एक बहुत अच्छा मोमेंटम हुआ था, ये हमारा बनता है नो ट्रेड जोन। इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है तो डेफिनेटली ये टारगेट हमें मिलेगा, इसके नीचे ब्रेकआउट देता है, ये देखिए पहली हर्डल मुझे ये दिख रही है, दूसरी हर्डल मुझे ये दिख रही है और तीसरी हर्डल ये दिख रही है। तो ऊपर की तरफ और अगर मैं मोमेंटम देखूं तो डेफिनेटली यहाँ तक का एक स्कैल्प ट्रेड बनेगा, फिर उसके बाद ये तीन टारगेट्स ऊपर की तरफ,
तीन टारगेट नीचे की तरफ, बहुत अच्छे लेवल में दिख रहे हैं। चलिए कुछ सुपर सेटअप देख लेते हैं। पहला स्टॉक है कोल इंडिया। कोल इंडिया एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल में है, इस ट्रायंगल का ऊपर की तरफ ब्रेकआउट 1-2% का टारगेट, नीचे की तरफ ब्रेकआउट 179 का टारगेट हमें बहुत आसानी से मिल सकता है। अगला स्टॉक है आईटीसी। आईटीसी में आज एक पोल एंड फ्लैग बना है। जनरली जो फ्लैग बनता है वो फ्लैग बनता है कुछ ऐसे ऐसे, पोल एंड फ्लैग जनरली जो बनता है ऐसे, ये एक फ्लैट है। इसमें इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, कहने से इसमें कंसोलिडेशन हो रही है। जिसमें कंसोलिडेशन है वो क्या होता है, एक वेट करता है बड़े मोमेंटम का, तो डेफिनेटली अगर इसको ब्रेक करता है तो पोल की मैं हाइट देखूं तो पोल की हाइट देखूं तो पोल की हाइट है एग्जैक्टली 4 रुपीस, तो कहने से यहाँ से 2 रुपीस या 1% का टारगेट हमें मिल सकता है। तो पहला लेवल मेरा बनेगा यहाँ पे, दूसरा लेवल आप कुछ पिवट्स ले लेना। अगला स्टॉक है माइंडट्री। माइंडट्री में बात करूँ तो माइंडट्री भी एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल में है, बट इसका ट्रायंगल कुछ ज़्यादा बड़ा है, तो अगर ये इस जोन को ब्रेक करता है और इस जोन को 4040 को ब्रेक करता है तो डेफिनेटली पहला टारगेट हमारा रहेगा 4075, दूसरा टारगेट हमारा ये रहेगा, और तीसरा टारगेट हमारा डेफिनेटली जो है वो रहेगा ये। बहुत अच्छे लेवल पे दिख रहे हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू फॉर मेकिंग द पार्ट ऑफ द वीडियो। आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन लिव इट लाइफ, लिव इट ड्रीम्स। बूम।